सबसे पहले जुआड़ी किसको बोले आपको आप आप बोले बंद हाँ। करो कैमरा मेरा बंद करें बंद करें आप, आप जुआड़ी किसको बोले पूरा भारत भार, पूरा भारत पूरा भारत गलत है ना जुआ खेलते दिन भर चौक चौराहा बैठ शर्म नहीं लगता आपको भाग नहीं महाराज चौक चौराप नहीं बैठते हैं भैया नीतीश चाचा उनको भी पता है कि बिहार में कौन क्या बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है तो उससे बढ़िया है संतोष रेणु मतलब बनने का कोशिश नहीं कीजिए संतोष संतोष रेणु फेनु अपने जगह पे होगा जहाँ तहा नहीं बैठ के पढ़े पढ़े इंजीनियर बन के थार नहीं लेंगे ड्रीम इलेवन से थार ले लेंगे क्या पढ़ेगा क्या पढ़ेगा क्या पढ़ेगा अब आपको मतलब हिंदी इंग्लिश और गणित समझ में आ गया अब नहीं खेलना है ना एकदम पूरा फुल विरोध कर रहे हैं जो ना खेलेंगे ना खेलने जाएंगे न खेल लेंगे न खेलने देंगे इस चेहरे को तो आप जानते होंगे यही वो जुआड़ी है जो इससे पहले इसका वीडियो हम बनाए थे जो कि काफी वायरल हुआ था ये जुआड़ी फिर से जुट गया है क्योंकि कई बार ये विरोध करने लगता है कई बार सपोर्ट करने लगता है तो हम सोचे एक बार इसका रिलाई होना चाहिए ये जुआड़ी ऐसा जुआड़ी है जिससे कि कुछ लोग सीख करके बढ़िया सीख ले रहे हैं कुछ लोग गलत सीख ले रहे हैं

जुआड़ी है आप जुआड़ी है कैसे जुआड़ी है ठीक अच्छा, आपका कहना है भैया हाँ, हम जुआड़ी है हाँ, जुआड़ी हम ही है खाली हम ही खेल रहे हैं ड्रीम इलेवन क्या तो सब खेलता था आप नहीं जुआड़ी है तो ड्रीम तो इलेवन जुआड़ी है जुआ है ड्रीम इलेवन ठीक है जुआ भी है ना सब खेलता है सब से सब खेलता है हम सबसे पूछे खेलेंगे आप डूब जाएगा आप डूब जाइएगा हम कहा बोले सब हूँ डूब तो गया सबका डूबा डूबा नहीं हमारा तो डूबा भैया सबका डूबा नहीं डूबा लेकिन हमारा डूबा है डु, चार लाख रुपया रूपया कितना कितना दिन में दिन? चार साल में साल डूब गया पैसा हमारा देख लीजिए चार साल में चार लाख रुपया डूब गया अपने आप को जुआड़ी नहीं कर रहे हैं कर रहे बढ़िया आदमी है क्या है मतलब की समाज सेवा करते हैं आप यही ना एकदम अच्छा पुरुष है पढ़े लिखे हैं एकदम इंजीनियर डॉक्टर बनिएगा जुआ खेलते दिन भर चौक चौरा बैठ शर्म नहीं लगता आपको बात नहीं महाराज चौक चौरावे नहीं बैठते हैं भैया चौक चौराव बैठ के नहीं खेलते ड्रीम इलेवन लोग घर में बैठ के खेलता है। चौक चौरावे बैठ के नहीं खेलता, खेलता। हाँ तब क्या ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन भैया चौक चौरावे बैठ के नहीं खेला जाता घर में बैठे खेलता सिर्फ एक मिनट टीम लगा दिए अपना जो अच्छा है ये बताइए आपकी उम्र का अठारह बीस साल का लड़का पढ़ता लिखता है आई बनेंगे आईपीएस बनेंगे, बनेंगे बिहार का नाम रोशन करेंगे ठीक है देश विदेश जाएंगे डॉक्टर बनेंगे हीरो हाँ। बनेंगे वो हाँ। हम देखे वो हम देखे कौन बिहार का क्या बनेगा ना वो लहन चटेगा की क्या बनेगा सबको पता है भैया कोई कुछ नहीं बनेगा बिहार में क्या बनेगा बन तो रहा है ना सबको पता मैं पूरा बिहार जानता है की कौन क्या बन रहा है कौन नहीं बन रहा है इस बात को इस बात को इस बात को हम नहीं इस बात को चच्चा भी जानते हैं अब कही चाह कौन

अभी आप रम्मी का और ये ड्रीम अलेवन का फलाना ढिमकाना जितना ऐप है सब का विरोध कर रहे हैं जम के विरोध कर रहे हैं भैया विरोध विरोध करते है ना देखिए विरोध कर रहे हैं अच्छा एक बात बताइए चार साल जो खेले हैं चार लाख रुपया हारे हैं चार साल में लोग सला ग्रेजुएट हो जाता है चार साल में साला आप जो जो है ना जो है ड्रीम अलेवन और रमी तम्मी का जो गांव में बच्चा होगा ना उसको पीएचडी करा दिए होंगे आप कि नहीं, नहीं गची गलती गचिए नहीं हाँ? गलती कैसे गच जिसको हम नहीं बिगाड़े हैं भैया ना सुनिए आज तक हम ड्रीम अलेवन खेल रहे थे कोई नहीं जान रहा था हाँ. ड्रीम अलेवन हम खेल रहे थे पैसा फसा रहे थे इस बात को कोई नहीं जान रहा था बता रहे सबको भैया हाँ बता नहीं रहे है पहले आप पूछे हाँ। पहले आप पूछे अरे तो हमारा काम कौन चाहिए पूछना नहीं तो गोली मारे सटा के हमारा भी काम भी बताना करने क्वेश्चन किए ना जी हम उसका जवाब दे रहे करने लगते हैं क्या सपोर्ट कर दिए उसका हम क्या सपोर्ट कर दिए बताइए आप दल सपोर्ट किए समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है किसको चार दल सपोर्ट किया चार दल सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट हम चार दल रुपया और हम ऐसा नहीं दबिया सुनिए समझिए बात को लत था डेढ़ करोड़ का बोल रहे कि सपोर्ट हम नहीं करते थे सुनिए हाँ। पहले हमारा बात समझिए कि डेढ़ दो करोड़ रुपया का था सब सही है डेढ़ हाँ। दो करोड़ रुपया आता भी ना उसका क्या कर लेते हम हाँ। उसका क्या करते हम रईसी दे देते दे दे। नहीं भैया सपना था हमारा एगो कि अगर दो करोड़ रुपया जीत जाते तो एक करोड़ रुपया गरीब के लिए दान कर देते ट्रस्ट में दे देते एक करोड़ रुपया सबके सामने दिखा करके गारंटी सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट अच्छा ये तो मंदिर में खड़े दिखाई कैमरा मैन तो कैमरा बंद करो दिखाओ मंदिर ये मंदिर के सामने बोल रहे हैं ये मंदिर के सामने बोल रहे हैं है हीरो नहीं है आप हीरो वाली बात नहीं भैया उछलने वाली बात नहीं गर्मी आ जा रहा है शरीर में गर्मी आ जा रहा है गर्मी का मौसम धूप इतना काड़ा किया हुआ है माथा गर्म हो जा रहा है पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए यहाँ पे संतोष वाला बनने का कोशिश नहीं कीजिए संतोष बंतोष रेनू फेनु अपने जगह पे होगा जहाँ तहा नहीं जहाँ तहा नहीं पूर्वी बिहार है तो आपका चलेगा हम नहीं बोल रहे हमारा चलेगा ताँ? हम हम जिस जगह पे हमारा हम कहा कर रहे हैं कि आप हमारा चलेगा समाज का चलेगा पब्लिक का चलेगा हाँ, गरीब इंसान का चलेगा गिर, गिरी जिला है तो प्रशासन का कोई वैल्यू नहीं है आपका सब चलेगा हम कहा बोले हम बोले प्रशासन हम जो लड़ रहे हैं हम कब बोले की प्रशासन हमारा है हम कब बोले प्रशासन हमारा बाप का है हम कब बोले प्रशासन हमारे सामने बैठता है बात बताइए ड्रीम इलेवन जो अब गेम है रमी है और फलाना ढिमकाना जितना ऐप है सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना है कि इसका का कारण है मूल कारण जानना चाहते हैं मूल कारण ये भी पूरा युवा समाज को बर्बाद कर दिया ये लोग सबसे पहला नंबर जितना हमारा जो है कि 12 साल से शुरू हो रहा अभी कहानी पहले तो 15 साल के बाद 17 साल के बाद लोग जवान हो रहा था अभी तो 12 ही साल में लड़का लोग जवान हो जा रहा 8 साल अब तो हो गया है हमको होगा भैया अपडेट रहिए ठीक है अपडेट रहेंगे अभी आपको आठ साल पता है हमको चार साल हमको आगे का पता है बारह साल में लड़का जवान हो जा रहा है तखनिए से मैच खेलना शुरू कर दे रहा है तखनिए से मैच खेलना शुरू कर दे रहा है मैं रुपया लगा रहा हो गया खेल दिया तो खेल दिया तो वो ड्रीम बनाया है ना कि फोर बाय फोर का जो करी कथार लेंगे कैसे लोगे तो दिया ल, जो लोटरी लगा रहे हैं कहीं फस गया तो जीतेंगे तो फोर फोर थार ले क्या पढ़ेगा क्या पढ़ेगा क्या पढ़ेगा ए मतलब की चार साल और बाप चार साल छो साल आठ साल इंजीनियरिंग कर रहा है निकलेगा की नहीं निकलेगा पास होगा की नहीं होगा बप्पा मैया पैसा देगा की नहीं देगा डीआरसी तो लोग चार लाख पांच लाख लोन लेकर पड़ता है नौकरी होगा कि नहीं होगा hmm. लोन भराएगा कि नहीं भराएगा कैसे hmm. भराएगा तो रिक्स इसमें कितना रिक्स खेल के भरी है। ठीक है इंजीनियर आप इंजीनियर इंजीनियरिंग जो करता है hmm. लिख के देगा उसका नौकरी हो जाएगा इंजीनियरिंग करने के बाद लिख के देगा तब हम कैसे लिख के दे देंगे हम कैसे लिख के हम भी रुपया लगा देते जो जी जाते। है ना भी ना भैया ये सट्टा नहीं लगा सट्टे जैसा हुआ पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग सब सट्टे है। लोग इतना मेहनत करता है आर्मी का तैयारी करता है दौड़ता है दुबता है इनके हिसाब इनके हिसाब से पूरा दुनिया सट्टा खेलता है मोदी जी जी सट्टा खेल के प्रधानमंत्री बने है ना हम ही नहीं तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी सट्टा खेल के प्रधानमंत्री मोदी जी लोग चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए कोई देखा है आज तक वो तो सट्टे स्टेशन पे चाय बेचते तो हैं उनको ये बताइए हाँ। आज तक कोई देखा उनको जो कोई दे, जो देखा होगा पर... हाँ। वो कॉमेंट करे हाँ। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है अगर वो देख रहे हैं तो एक बार जरूर कॉमेंट करेगा मोदी जी का मोदी जी फलना जगह पर चाय कुछ नहीं मोदी जी ऐसे हल्ला कर दिया लोग मोदी जी चाय थे रहते मोदी जी भाई चाय बेचेंगे इतना देश प्रधानमंत्री हमारे देश के अच्छा एक बात एक बात बताइए छोड़ियो सर बात एक बात बताइए आप जो इतना पैसा हारे हैं कोई गम उम नहीं है कौन सी का गम रहेगा चार लाख रुपया इतना आसान बात है ठीक क्या बात भले बात समझिए एक बार चार लाख रुपया अगर चल तो जाएगा भीतर ना तो कल जाएगा अरे धीरे धीरे न गया मालिक पांच सौ छह सौ आ रहा था चौबीस टका चला गया पचास टका चला गया मतलब धीरे तो उस धीरे तो मजा मतलब मजा आ रहा था हारते जा रहे थे ना अब, सम... अब... इस बार जो आप बात एकदम सही वाला अभी मैंने की ना होता की एक बार चार लाख अब किसी का एक बार में दस हजार रुपया भैया गिर जाएगा तकलीफ होगा बहुत तकलीफ होगा एक लाख रुपया करके रोज गिरेगा आपको पता चलेगा नहीं चलेगा फिर बात वही समझिए आप बात वही समझिए आप अब आपको मतलब हिंदी इंग्लिश और गणित समझ में आ गया अब नहीं खेलना है ना एकदम पूरा फूल विरोध कर रहे हैं है। जो ना खेलेंगे नियो ना खेलने देंगे आ, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे आ, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे स्वतंत्रता तो का अधिकार हम खेलेंगे क्या करिएगा खेलिए हम तो हम तो क्या करेंगे खेलिए जाइएगा हाथी गाड़ा में फिर समझिएगा अपना खेलिए खूब खेलिए खूब खेलिए देख लीजिए हमारे साथ खेलिए नहीं सत्रह सौ रूपया वाला जो कौन है फेगो रम्मी किसी रुपया जाएगा किसी डाले फंडी का पैसा ले अब कहा लीजिए अभी मैंने फ्री का सब लेता है ये सब मुंह पोचना वाला बात मत बोलिए आप फ्री का रुपया नहीं लेंगे सब लेता फ्री का रुपया अभी अभी साइड बोला कोई नहीं तो देगा ना एक हजार रुपया खाली पीछे रहना तोरा दिन भर समझा खाली तोरा पीछे रहना है हेलो एक हजार रखो पॉकेट में पट से साइड से, से लेकर के पीछे रख लेगा जिंदाबाद हाँ। जिंदाबाद करेगा आईशा करता है लोग पीछे रख लेगा पट से जिंदाबाद आपसे बात करके इनसे बात करके आज यही हमको समझ में आया कि चार साल से धूल अचुतिया बन रहे थे अब जो है उस ट्रैक पर से दूसरे ट्रैक पर आ गए हैं अब जो कह रहे हैं कि धीरे धीरे रुपया जो घुसते जा रहा है ना उसको रोकना है पढ़ाई लिखाई करना समाज में अच्छा संदेश देना है बाकी सौरभ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद